हाय, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ द डे 10 ऑफ द नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, और 4 दिन मेरे को बचा हुआ होगा। आज का दिन हो गया, तो अभी जाते हैं सुबह सुबह योगा करने के लिए। दो आई एम बिट लेट, बट सुबह सुबह जाते हैं योगा करने के लिए। और योगा सेशन ख़त्म होने के बाद अभी थोड़ा सा बाहर आए हैं एक्चुअली, और बाहर आने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा वॉकिंग ट्रेल जैसा बना हुआ है इस जगह पे, तो यहाँ पे पैदल पैदल अभी चल रहे हैं। यहाँ पे पैदल चलने का भी मज़ा ही अलग है। हमारे वहाँ पे आउटडोर खुलने का समय 10 बजे होता है, लेकिन यहाँ पे आउटडोर खुलने का समय दिख रहा है 7:30 बजे, और आउटडोर ख़त्म होता है 12:30 बजे। फ्रेश एयर लेना भी ज़रूरी है, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, फिर पूरा दिन ऐसे डलनेस और झीमा झीमा सा मतलब महसूस होता है कि अंदर में कुछ बचा ही नहीं है। जब मॉर्निंग वॉक करने के बाद यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद ट्रैं 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 करके एक बेल बजता है, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलता है। तो ब्रेकफास्ट पे आज क्या मिला है, गाजर है, केला है, खीरा है, नेरिस पाइनएप्पल, कुछ ककड़ी है, यहाँ पे कुछ बाजरा या ज्वार पता नहीं कुछ तो होगा, मिलेट से मतलब कुछ, उसको पानी में सोख करके दिया गया है। कम्बू, इसको तमिल में काम्बू बोलते हैं। काम्बू स्पेसिफिक जो योगा होता है वेरिकोस बैन एंड फॉर द बैक पेन, तो एक छोटा सा जो चीट होता है उस पर लिख के देगा कि आज मेरे लिए क्या ट्रीटमेंट होगा। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ, और आई जस्ट केम इन द रूम। यहाँ पे जूस मिला है, ये जूस है वाटरमेलन का, तो दिस इज़ हाउ द जूस लुक्स। और उसके वीडियो एडिट करना है पहले वाला, और फिर जाएंगे अभी शाम को फिर ट्रीटमेंट के लिए। बाजरा और केला, सो के उठा, देखते हैं ये लंच पे मिला। तो यहाँ पे जो खाना पीना मिल रहा है लंच के टाइम मतलब बहुत कम है, तो उसके वजह से मैं बाहर से खाना मंगा के रख रहा हूँ। अभी गया था योगा करने के लिए, योगा का मतलब स्पेसिफिक योगा करने के लिए, जिसको बैक का प्रॉब्लम है, वेरिकोस वेन है, या फिर कोई भी हो, तो यहाँ से जैसे योगा बोलते हैं कि 7-6 योगा स्टेप्स, तो वो करने के बाद नाउ आई केम बैक इन द रूम। एक्चुअली मैं एक्यूपंक्चर का नीडल भूल गया था, ये है मेरा एक्यूपंक्चर वाला नीडल, 1 2 3 तीन ही नीडल दिख रहा है, पता नहीं चार ही है। तो ये रहा मेरा एक्यूपंक्चर वाला नीडल का पैक, ये मैं छोड़ दिया था रूम में, इसको वापस लेके जाना है और फिर एक्यूपंक्चर लेना है अभी। और पपाया है, केला है, खीरा है और पम्पकिन है, तो ये हो गया आज रात का डिनर। इतना जल्दी मेरे को भूख नहीं लगा, तो उसके वजह से मैं क्या करूँगा कि ये सारा चीज़ को अभी ढक के मैं थोड़ा बाहर की तरफ जा रहा हूँ, बाहर से कुछ फ्रूट्स लेके आने के लिए, क्योंकि कल सोच रहा था कि बिना फ्रूट्स का चल जाएगा, लेकिन फ्रूट्स का ऐसा आदत बन गया पिछले 14 दिन में कि फ्रूट्स के बिना रात को बहुत भूख लगता है, भले ही भूख ना लगता हो पेट के लिए, लेकिन बॉडी मांग रहा है ऐसे वाला। तो उसके वजह से अभी जा रहे हैं बाहर यहाँ से फ्रूट लेने के लिए। अभी यहाँ पर थोड़ा सा वॉकिंग करने के लिए निकले हैं, और जाएंगे आज कुछ फ्रूट्स जैसा मैं बता रहा था लेने के लिए। चेन्नई का वेदर जो है गर्मी वाला सीन आ गया, लेकिन हवा जो है वो गर्म नहीं है, खाली नॉर्मली गर्मी जो महसूस होता है वो है। वापस से फ्रूट शॉप पे आया हूँ, और फ्रूट शॉप पे मैंने एक पपाया लिया, एक कोकोनट लिया, दो यहाँ पे जो प्लास्टिक मेरे को दिया गया है इसको मैं रिसीव नहीं करूँगा, इसको इधर ही दे के चला जाऊँगा। और उसके साथ मेरे को यहाँ पे तमिलनाडु का स्पेशल रेड बनाना लेना है, ये 7 रुपीज़ करके पीस मिलता है, ये देखिए यह है रेड बनाना, तो इसको लेना है। और बस कुछ नहीं, और तमिलनाडु पे आके एक बड़ा सा केला दिखा मेरे को, तो दिस इज द साइज ऑफ द बनाना इन तमिलनाडु, ये देखिए। और यहाँ पे भी है, इतना बड़ा बड़ा केला तो मैं कभी अपने साइड पे देखा नहीं हो, सो दिस इज काइंड ऑफ ए न्यू थिंग फॉर मी। यहाँ पे तमिलनाडु का एक लोकल फ्रूट मिला है, इसको बोलते हैं चपोटा, ये 60 रुपीज़ पर किलो करके, चपोटा लाइक मेरे को चीकू टाइप दिख रहा है, लेकिन ये नींबू के साइज का है और इसका नाम है चपोटा, तो ये 60 रुपीज़ किलो। तो मैं बोला कि भाई साहब एक टेस्ट करना है, सो हाउ टू ईट इट, हाउ टू ईट डायरेक्ट स्किन पिल, ओके, इसका स्किन जो है इसको पिल करना पड़ेगा, देखते हैं एक बार कोशिश करके इसका स्किन पिल करके। वाटर वाटर वाश नहीं, यहाँ पे दुकानदार जो है वो सब भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पता नहीं चल रहा है। स्किन पिल, ओके, स्किन इसका मैंने पिल करने का कोशिश कर रहा हूँ। यस, ये चीकू है,
चीकू को यहाँ पे बोलते हैं तपोटा, तपोटा ये चीकू है। चीकू का नया नाम पता चला तपोटा चीकू, और चीकू का ये साइज मेरे को पता नहीं था। सो दिस इज लोकल तमिलनाडु, लोकल इसे खाने के बाद मेरे को इसका दो सीट मिला है एक्चुअली एज ए ट्रैवलर और एज ए बैकपैकर। आई नीड टू सेव दिस सीट्स, इससे अगर पेड़ निकल जाएगा तो बहुत अच्छा महसूस होगा मेरे को, तो ये सीट मैं फेंकने नहीं वाला हूँ। आई जस्ट कीप दिस सीट्स विद मी। खा के बहुत अच्छा लग रहा है, सही है, लेकिन चीकू का जो मीठा मीठा टेस्ट है वो इस पे नहीं मिला। हाय गुड मॉर्निंग, आज मेरा 11 दिन है एंड आई एम गोइंग टू द योगा क्लास। सुबह नींद तो लग रहा था तो सोच रहे थे कि अब कुछ दिन है योगा क्लास कर ही लेते हैं। टुडे इज़ द डे 11 इन द नेचुरोपैथी सेंटर और आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई डे विथ ए जूस, जो जूस का नाम मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता और ये कुछ प्लांट बेस्ड जूस है। सो दिस इज द जूस व्हाट आई एम हैविंग राइट नाउ, और यहाँ पे मैंने कल रात को कुछ स्प्राउट्स भिगने के लिए दिया था। सो हियर इज द स्प्राउट्स। आज सुबह सुबह योगा करने के लिए गया 5:30 बजे और मेरा रूटीन शुरू होता है ऐसे, योगा करने के बाद रूम पे बैठा हूँ, जूस पी रहा हूँ, स्प्राउट्स खा रहा हूँ और थोड़ा देर के बाद ब्रेकफास्ट होएगा, उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट एंड फिर गोइंग टू द ट्रीटमेंट सेंटर। आज देखते हैं कौन सा ट्रीटमेंट होता है या फिर क्या अलग सा ट्रीटमेंट मिलता है। 11 दिन नॉन नेचुरल डाइट, नो कुक फूड, ओनली लाइक फूड एंड सलाड। सो इन द अपकमिंग डेज लाइक और 3 दिन मेरे को ऐसे रहना है। सो दिस इज़ अ कम्प्लीट न्यू चैलेंज फॉर मी ऑल्सो एंड एक्सपीरियंस इन न्यू लाइफ। फ्रेश हुआ और फ्रेश होने के बाद आई जस्ट गॉट द ब्रेकफास्ट हेयर। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट पे क्या है, ककड़ी है, खरबूजा है, केला है, खीरा है और गाजर है। तो ये आज का ब्रेकफास्ट हो गया। इसको खाने के बाद अभी 10 बजे जाएंगे योगा करने के लिए, जो स्पेसिफिक योगा होता है जिस पार्ट को ज़रूरत होता है बॉडी का जो ट्रीटमेंट के लिए होता है, तो उसके लिए एंड उसके साथ साथ क्या ट्रीटमेंट देता है आज पता नहीं। एक्चुअली कल जो मैं हल्ला कर रहा था कि मेरे को वो करना है स्टीम बाथ, तो आज डॉक्टर के साथ बात किया तो उन्होंने बोला कि भाई साहब आपको वेरिकोज वेन है, वेरिकोज वेन में अगर स्टीम बाथ ज़्यादा लोगे तो वो वेरिकोज वेन बढ़ने का चांसेस है, तो तुम अवॉइड करना ऐसा कोई भी एक्सरसाइज या फिर ऐसा कोई भी थेरेपी जिस पे बॉडी गर्म होता हो। यहाँ पे मेरे बेड के बगल पे मतलब पेशेंट्स तो चेंज होते रहते हैं, तो जितने सारे लोग पहले जब मैं आया था शुरू के 4-5 दिन में तो उतने सारे लोग चले गए, खाली 2-3 लोग पुराना है, बाकी यहाँ पे जितने सारे लोग हैं दे एक्चुअली केम न्यू, मतलब किसी का 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ या फिर 4-5 दिन हुआ, तो उनके साथ भी रह रहे हैं। यहाँ पे कल एक अंकल आए, हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन नेचुरोपैथी, हाउ यू आर फीलिंग द ट्रीटमेंट एक्चुअली? Good treatment, good treatment. I learned only 2 days. Yesterday I went here. So what about the food you are having? Like having food, raw food? Only not normal food, only vegetables. Vegetables and fruits. Morning 3 times they give only vegetables and fruits. So it's good for you? Yes, okay, good. First time experience vegetable and fruits? Yes, yes, yes. So no, like no hungriness? no hungriness. Thank you. For what problem you came here? By leg pain. Leg pain. Mm-hmm. Okay. So 14 days or 21 days? 10 days. 10 days. Yes. Now I am going to yoga room, जो specific yoga होता है back pain and the varicose vein. तो योगा रूम में जाते हैं, योगा रूम में देखते हैं आज क्या ट्रीटमेंट है नया मेरे लिए, या फिर वही नॉर्मल सा जो एब्डोमन पैक एंड बैक पेन के लिए एक छोटा सा ट्रीटमेंट होता है तो वही देंगे, या फिर आज कुछ अलग सा ट्रीटमेंट होने वाला है। सो आई नीड टू गो देयर एंड चेक। अभी मेरा योगा ख़त्म हुआ एंड आई एम गोइंग टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट सेक्शन। आज मेरे को एक नया सा
थेरापी मिला है मड एप्लीकेशन इन बोथ लेग्स, तो दोनों पैर में मड एप्लीकेशन होगा, जैसे मड बात लिया था उसी तरीके से। तो आज जाते हैं ये चीट को दिखाना होगा ऑफिस पे, मतलब ट्रीटमेंट सेक्शन का ऑफिस पे, फिर वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चालू होगा। हॉस्पिटल के अंदर एक बड़ी मस्त जगह है जहाँ पे आई एम गोइंग एंड उस जगह पे मड एप्लीकेशन होगा, और यहाँ पे पैदल चलने में भी बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली पैर का एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट होता है ऐसा कुछ। तो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन द ट्रेल जो फूट एक्सरसाइज के लिए बना हुआ है, और यहाँ पे छोटा सा जो जंगल जैसा दिखने वाला जगह है यहाँ पे होगा मार्ड एप्लीकेशन, और इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। वेट करके यहाँ पे मार्ड एप्लीकेशन लेते हैं दोनों पैरों में। नाउ आई एम गोइंग टू गेट द मार्ड एप्लीकेशन इन द बोथ लेग्स। What the feel is coming out? उस दिन पूरा शरीर में जो लगाया था उतना धूप नहीं था, लेकिन आज बहुत धूप ज़्यादा है। मेरा दोनों पैर में मड एप्लीकेशन ओवर हो गया। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द रूम, एक्चुअली जाकर रेस्ट करेंगे। बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पैर को ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है देख के। चेन्नई में पहले बार जिस दिन आए थे उस दिन जितना ज़्यादा गर्मी था, आज भी वैसा ही गर्मी हो गया है। लाइक हीट इज नॉट बियरेबल ऐसा वाला फील आ रहा है। नीचे से मड एप्लीकेशन लेके आने के बाद हेयर आई एम गेटिंग सम जूस। सो ये है ग्रेप का जूस, और ये बहुत ज़्यादा खट्टा है। और तीन बार जो जूस मिलता है, सुबह में कोई पेड़ का जूस होता है, अभी फ्रूट जूस, एंड शाम के टाइम कोई पत्ते का जूस होगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस द जूस। और लंच पे आज मिला है इतना सा खाना, केला, वाटरमेलन और स्प्राउट्स। सो दिस इज टुडेज लंच। उसके साथ साथ मैं तो अपना खुद का थोड़ा सा स्टॉक रख ही रखा हूँ, तो मेरे को पहले जैसा दिक्कत हो रहा था इतना थोड़ा सा खाने के लिए, तो अभी वो दिक्कत नहीं होएगा। खाना खाते हैं बाद में, शाम को आज क्या ट्रीटमेंट है देखते हैं जाके। आ रहा हूँ योगा क्लास पे, स्पेसिफिक जो योगा होता है मैं बता रहा था कि स्पेसिफिक योगा फॉर द बैक पेन एंड द वेरिकोज पेन। तो वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं आज कौन सा ट्रीटमेंट मिलता है। और उसके साथ साथ मैं दो तीन दिनों से भूल रहा हूँ ये एक्यूपंक्चर का नेडल लेके जाना, तो आज इसको ज़्यादा मेंशन कर देते हैं कि भाई साहब इसको लेके जाना है, नहीं तो फिर इसको लाने के लिए वापस और ज़्यादा टाइम चला जाता है, तो इसको आज लेके जाते हैं साथ में। योगा सेक्शन से निकला हूँ और जा रहा है ट्रीटमेंट सेक्शन के लिए। तो दिस इज़ द चिट, और इस पर लिखा हुआ है मड पैक इन बोथ द लेग्स 10 मिनट्स। तो ये आज का ट्रीटमेंट है, लेग पैक ट्रीटमेंट। Is varicose vein. Varicose vein. Best treatment in naturopathy. Government yoga and naturopathy center. Treatment से वापस आते हुए now I am having आमला जूस। ये आमला का जूस है, और फिर से और एक बार जाएंगे योगा करने के लिए जो इवनिंग योगा होता है। डिनर कर रहे हैं, तो डिनर पे आज क्या मिला है, यहाँ पे खीरा है, बीटरूट है, वाटरमेलन है, और बंगाली में इसको कुंदरी बोलते हैं, और उसके साथ केला है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज डिनर। और इसके साथ साथ बाहर में काफ़ी सही हवा चल रहा है, सोच रहे कि आज थोड़ा सा बाहर घूम के आए, तो एक बार डिनर कर लेते उसके बाद जाएंगे। এখন ডিনার করছি, আর আজকে ডিনারে কি দিয়েছে, এখানে শসা আছে, কলা আছে, বিটরুট আছে, কুঁদরি আছে, তরমুজ আছে, বাস এইটাই। আজকে ডিনারের করার পর ভাবছি বাইরে তারা যাব, দারুণ সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে।
आज रात का डिनर, तो डिनर पे क्या मिला है? डिनर पे मिला है केला है, तरबूज है, बीटरूट है और कुंदरी है। तो ये आज रात का डिनर। बाहर पे काफ़ी सही हवा चल रहा है, तो सोच रहे कि आज डिनर करने के बाद बाहर जाएंगे। आज का दिन डिनर करने के बाद थोड़ा बाहर गए थे, और बाहर जाने के बाद बस घूमे और फिर रूम में अंदर आ गए। नाउ आई हैव टू डू सम वीडियो एडिट जो पहले वाले व्लॉग थे उसका, और अपलोड करते हैं वीडियोस एक एक करके और निकलते हैं कहीं अगले जगह पे, देखते हैं कहाँ जाने का होता है या फिर क्या सीन बनता है। उसके बाद शुरू करेंगे कल का दिन का व्लॉग, और आराम से लाइक थोड़ा सा लाइटली ले जाके।